माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में लागू नागरिक विकास की एक अभूतपूर्व पहल स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल देहरादून स्मार्ट सिटी में शहरी विकास व नागरिकों की सुविधा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार की एक विशेष संस्था देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में कई स्मार्ट समाधान लागू किए गए हैं। सरकार तथा नागरिकों के बीच सुविधाजनक संपर्क व संवाद के लिए इंटरनेट आधारित आधुनिक इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। देहरादून व मसूरी में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने हेतु राज्य सरकार की संस्था मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDA द्वारा सुनियोजित भवन निर्माण एवं स्थानीय शहरी विकास से जुड़े विषयों के समाधान के लिए एक एकीकृत विकास प्रक्रिया लागू की गई। इस पूरी योजना में भवन निर्माण और शहरी विकास कार्यों में यहाँ के स्वस्थ पर्यावरण व प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नागरिकों को भवन निर्माण हेतु सुगम तरीके से नक्शा अनुमोदन प्रदान करने के लिए MDDA द्वारा अपने पोर्टल पर एक स्वचालित आसान प्रक्रिया विकसित की गई है। MDDA के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक के लिए भवन निर्माण एवं नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान होने के साथ साथ इसमें समय और धन की बचत भी होती है। एक सिंगल साइन ऑन SSO प्रणाली में केवल एक सेट क्रेडेंशियल के इस्तेमाल से उपयोगकर्ता अब बहुत ही कम समय में इस पोर्टल के माध्यम से कई सूचनाएं एकत्र कर पाते हैं तथा अलग अलग एप्लीकेशन और वेबसाइटों पर पहुंचना भी संभव है। नक्शा प्रस्तुति की इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ साथ इस पोर्टल पर RTI फाइलिंग एवं लोक शिकायत आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। MDDA ऑफिस में संबंधित अधिकारी भी अब शीघ्रता से नक्शे का अनुमोदन दे पाते हैं। प्रशासनिक कार्यों में मौजूदा ई गवर्नेंस प्रणाली में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए IT कनेक्टिविटी विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी तालमेल को शीघ्र व सुगम बनाने में कारगर है। साथ ही ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होने से विभिन्न विभागों पर नियंत्रण बनाए रखने में भी बहुत सहायक है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराकर इसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक बनाया गया। देहरादून ई कलेक्ट्रेट ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार के उपयोग से समय की बचत के साथ तुरंत कार्यवाही करने में भी मदद मिल रही है। ई कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग की व्यवस्था से प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की कौन सी फाइलें कहां रुकी हैं व देरी के कारण आदि की ऑनलाइन जानकारी आसानी से उपलब्ध होने से यहां काम काज में तेजी आई है। अब नागरिकों को भी अपने किसी काम के लिए बार बार कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। अब वो घर बैठे बैठे या कहीं से भी अपनी फाइल और उसके वर्तमान स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। बिना कलेक्ट्रेट ऑफिस गए सारी सूचना मिल जाने से अपने काम को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। ई कलेक्ट्रेट व्यवस्था में लागू IT कनेक्टिविटी से अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी समय बचत के साथ काम करना सुगम व आसान हो गया है। साथ ही काम से जुड़े कर्मचारी की जवाबदेही तय होने की ऑनलाइन जानकारी से कार्यों में पारदर्शिता भी आई है। COVID-19 के दौर में देहरादून स्मार्ट सिटी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की सक्षम सेवाएं इस महामारी से निपटने में बहुत मददगार रही। इस महामारी की चरम सीमा के दौरान देहरादून स्मार्ट सिटी में COVID-19 विशेष सतर्कता कार्यबल पुलिस नियंत्रण कक्ष में रैपिड एक्शन केंद्र स्थापित होने के साथ साथ DICCC के निगरानी केंद्र में 2400 घंटे सातों दिन कार्यरत कर्मचारियों द्वारा देहरादून शहर के साथ समस्त उत्तराखंड राज्य में उपलब्ध करवाई गई सूचनाएं भी बहुत मददगार रही। समय समय पर लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान शहर की निगरानी के लिए DICCC द्वारा पूरे शहर में स्थापित किए गए CCTV कैमरों के इस्तेमाल से प्रशासन को स्थिति की निगरानी करने में बहुत मदद मिली। ई प्रवासी और संपर्क ट्रांजिट पोर्टल पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पूरे राज्य के 13 जिलों में बसे प्रवासी लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति और संपर्क की दैनिक निगरानी की गई। GPS आधारित मोबाइल ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग एप्लीकेशन की मदद से इस महामारी में क्वारंटाइन किए गए लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी और गरीब परिवारों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी देहरादून की देखरेख में ई हैप्पी मील सर्विस दून हैप्पी मील सर्विस सेवा शुरू की गई। सोशल मीडिया व CM हेल्पलाइन का प्रयोग करके स्पेशल टास्क फोर्स व क्विक रिस्पॉन्स टीमों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन और स्थानीय प्रशासन की मदद से उत्तराखंड राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की तुरंत मदद की।
बाहर आने वाले लोगों के लिए जारी की गई ई पास अधिसूचना के तहत 38.98 लोगों को ई पास जारी किए गए। कंप्यूटर, इंटरनेट व सूचना आदान प्रदान की आधुनिक तकनीकों की मदद से देहरादून स्मार्ट सिटी में शहरी विकास व नागरिक सेवा में प्रगति पथ पर नित आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।